विश्वास नहीं होता है ना कि सर किस तरीके से हम एक सेकंड में एस एच एम एस वेल एज एसनेटिंग करंट के सवालों को एक सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रूफ भी देखने वाले हैं आप सभी ने इस डायग्राम को देखा होगा यहाँ पे एक पार्टिकल है जो कि एस एच एम कर रहा है एक्स इक्वल टू जीरो के अबाउट ए उसका राइट साइड एक्सट्रीम है माइनस ए उसका लेफ्ट साइड वाला एक्सट्रीम है लेकिन ये दो जो पॉइंट होता है ना ए बाई टू एंड ए बाई रूट टू ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट right, सबसे पहले आप समझ लीजिए कैपिटल टी आपका होता है टाइम पीरियड ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन राइट और पार्टिकल को मीन पोजिशन से कैपिटल ए तक जाने में यानी कि यहां से एक्सट्रीम तक जाने में उसको टाइम लगता है टी बाय फोर क्वार्टर ऑफ दी टाइम पीरियड राइट एंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अब यहां पर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो कि हर बच्चा अपने प्रिपरेशन के दौरान सॉल्व करता है लेकिन उसे याद नहीं रखता है सबसे पहला इंफॉर्मेशन होता है कि पार्टिकल को मेन पोजिशन से ए बाई टू पर जाने पर टाइम लगता है टी बाई ट इसा वर्षा भी ट्रू होगा यानी कि ए बाई टू से मीन पोजिशन पे आने पर इसको टाइम लगने वाला है टी बाई टूवेल्व अगर ए बाई टू से कैपिटल ए तक की बात करें देन दैट टाइम इज गोइंग टू बी टी बाई सिक्स टी बाई सिक्स राइट एंड वाइस ऑफ वर्सा इज ऑल्सो ट्रू दैट इज ए से लेकर ए बाई टू तक का टाइम अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टी बाई फोर दोबारा से मिल जाने वाला है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि मेन पोजिशन से ए बाई रूट टू पर जाने पर क्या टाइम लगता है सो दैट इज इक्वल टू टी बाई एट एंड दैट इज सेम एज ए बाई रूट टू से कैपिटल ए तक जाने का जो टाइम होने वाला है क्लियर है एकदम यहां तक अच्छा अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो ए बाई रूट टू पे वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ए बाई रूट टू पे आपको काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी और हम लोग जब यहां पे ए बाई रूट टू बोलते हैं यानी कि आपका ये जो लेफ्ट साइड वाला है माइनस ए बाई रूट टू वो भी सेम ही होने वाला है वहां पर भी आपका और ए बाई टू पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो आपका होता है थ्री बाई फोर टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वन बाई फोर टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी अब ये

फोर टाइम्स वेर ई जो है दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो बताइए पार्टिकल कहां पे है ये तो आपका वही वाइस वर्षा हो गया दैट इज ए बाई टू पे है राइट right? अगर यहां पे देखिए जेई मेन 2021 मार्च अटेम्प्ट हमसे कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट द कांड एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन बिकम्स इक्वल तो कहां पे बराबर होता है तो भैया प्लस माइनस ए बाई रूट टू पे ये सभी का नोट्स आपको नीचे मिलेगा लेकिन मेरी बातों को यहां पे ध्यान से देखिए यह आपका जेई मेन दो मार्च अटेम्प्ट का एक और ही प्यारा सा सवाल है हमसे कहता है पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ पीरियड ऑफ टू सेकेंड यानी कि कैपिटल टी की वैल्यू दो सेकेंड है द टाइम टेकन बाई द पार्टिकल टू कवर अ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड फ्रॉम दी मीन पोजिशन इज वन बाई ए सेकेंड हमसे कहता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ना दैट इज वन बाई ए हमें पता है कि इसकी वैल्यू होती है कैपिटल टी बाई ट और टी की वैल्यू दो है यानी कि टू अपॉन टिच इज वन बाई सिक्स यानी स्मॉल ए की वैल्यू सिक्स थी यहां पे देखिए ये सवाल आपका ऑल्टरनेटिंग करंट का है लेकिन ये भी आपको विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा अ टेन ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस टू ट्वेंटी वोल्ट एंड फिफ्टी हर्ट्स एसी सप्लाई राइट टाइम टेकन बाई देंट टू चेंज फ्रॉम इट मैक्सिम वैल्यू टू दी आर एस वैल्यूम आपका होता है आई नॉट बाई रूट टू यानी कि आई नॉट से आई नॉट बाई रूट टू तक उसको डिक्रीज होने में जो टाइम लगेगा दट इज इक्वल टू टी बाई एट ये वही बात हो गया ए से आपका ए बाई टू तक का टाइम राइट और टी बाई एट अब हमारे पास सब कुछ है का मतलब होता है वन बाई एफ और एफ की हम वैल्यू uh, मेरे पास फिफ्टी हर्ट्स है आप इसे यहां पे पुट करेंगे ये इतना सेकेंड है विच इज नथिंग बट टू पॉइंट फाइव मिली सेकेंड तो ये आपको सिर्फ पांच 2021 के क्वेश्चन दिखाए गए हैं बहुत पहले और भी इसी वैरायटी के आ चुके हैं और 2022 में आगे भी आपसे ये वैरायटी पूछा जा सकता है यही कॉन्सेप्ट एक टॉपर को टॉपर बनाता है मेन एग्जामिनेशन में क्योंकि वहां आपको स्पीड चाहिए और अगर आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये गोल्ड माइन लिंक पे जाइए अभी के अभी और इस लिंक को फॉलो करना शुरू कर दीजिए एंड ऑल्सो फॉलो दी एच डी सीरीज माई पर्सनल फेवरेट सीरीज और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए मिलते रहेंगे बेस्ट ऑफ लक